हेलो गाइस, दिस इज तरनदीप सिंह। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है फेसबुक। इसमें हम कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे। पहली सीरीज में है कि राइट्स मैनेजर के ऊपर बात करेंगे। राइट मैनेजर में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको राइट मैनेजर्स में रूल्स कैसे सेट करने हैं और आप क्या क्या रूल्स सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। उसके बाद एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्रिएटिव स्टूडियो में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइट मैनेजर से। तो सबसे पहले मैंने चैनल खोला हुआ है, एक मेरा पेज है। क्रिएटिव स्टूडियो में जाएंगे आपको मैं बता देता हूँ कैसे जाना है। मैंने एक अपना पेज ओपन किया। क्रिएटिव स्टूडियो में जाएंगे आप, उसके बाद राइट्स मैनेजर में जाएंगे। आपको यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पेज सेलेक्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला पेज जो है अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको ऐसा पेज दिखाने वाला हूँ जो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पेज ओपन किया हुआ जो अवेलेबल था उसके अंदर, और हम बेसिकली इसमें क्रिएटिव स्टूडियो के अंदर जो हम राइट मैनेजर की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम रूल सेट करने की बात कर रहे हैं कि रूल कैसे सेट करने हैं आपको। तो यहाँ पर आप राइट मैनेजर में जाएंगे। राइट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर मैथ टूल्स का ऑप्शन आएगा आपके पास। मैथ टूल्स में क्या आप करेंगे, आपको एक मैं रूल बनाने का सिखा देता हूँ कैसे बनाना है। तो ऐड मैच टूल में आप क्लिक करें। यहाँ पे कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। मैंने एक टेस्टिंग बनाना है तो मैंने एक बना लिया टेस्टिंग। ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। फोर ऑप्शंस है बेसिकली यहाँ पे, रिव्यू, मॉनिटर, क्लेम, ऐड अर्निंग और ब्लॉक। तो रिव्यू में क्या होगा, 30 डेज आपके पास टाइम होता है रिव्यू करने के लिए। मॉनिटर में क्या होगा, आपको खुद मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कंटेंट मैच हो रहा है। क्लेम ऐड अर्निंग वाले जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी वीडियो को यूज़ कर रहा है तो उसकी जो अर्निंग होगी वो आपको मिलेगी रेदर देन उस पर्सन को। एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉक, तो आप ब्लॉक ऑप्शन कर सकते हैं। तो ब्लॉक करने से क्या होगा, आपकी जो वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वीडियोस ब्लॉक हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे अर्निंग वाला ऑप्शन किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर ऐड ऑप्शन करेंगे हम। तो फ्रेंड्स के पास जो ऑप्शन आता है उसके बाद आता है कंटेंट टाइप। आपका कंटेंट टाइप कैसा है, वीडियो एंड ऑडियो है, वीडियो है या फिर ऑडियो ओनली है। तो आप वीडियो एंड ऑडियो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपका कंटेंट अगर वीडियो मैच हो रहा है या फिर ऑडियो मैच हो रहा है तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ये। उसके बाद फिर पब्लिशर कौन है, पेजेस है या प्रोफाइल्स है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा पेजेस को। उसके बाद फिर प्राइवेसी का ऑप्शन है इसके अंदर, पब्लिक और लिमिटेड, मैंने पब्लिक कर लिया। उसके बाद फिर इसमें ऑप्शन है कि अप्लाई दिस एक्शन, वर्ल्ड वाइड चलेगा ये, इंक्लूड द टेरिटरीज और एक्सक्लूड द टेरिटरीज। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते जैसे प्राइवेसी या पब्लिशर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ले लेगा। तो एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो कौन कौन से एरिया को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिस्ट दे देंगे। मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे कंट्री वाइज चलेगा, तो मैंने इंडोनेशिया ले लिया, तो एक्सक्लूड कर दिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये वाला रूल जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, और मैंने वर्ल्ड वाइड लिया तो वर्ल्ड वाइड चलेगा ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ पे रूल्स ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ओवरलैप का ऑप्शन आया था, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप एक बार और क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको माइनस करके क्लोज करके ख़त्म भी कर सकते हो ऑप्शन को, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि ग्रेटर देन लेना है, इक्वल टू लेना है, या फिर लेस देन लेना है, लेस देन इक्वल टू लेना है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद फिर आप उसको सेव कर लें। मैं इसको नहीं बनाना चाहता तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस कर रहा हूँ। मैं आपको पहले के रूल्स दिखा देता हूँ आपको, ओनली मॉनिटर में क्या किया था, और मॉनिटरिंग कॉपिंग क्लेम रेवेन्यू वाले दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने इसको सिंपल बनाया हुआ था एक्चुअली। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये मैंने किसी जूनियर ने बनाया मेरे, ब्रिटिश पंजाबी कॉपी रूल। देखिए इसके अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने, वर्ल्ड वाइड लिया हुआ है, ब्लॉक करने का ऑप्शन लिया है यहाँ पे, मॉनिटर का लिया है, रिव्यू का लिया है, तो ये तीन ऑप्शन लिए हुए हैं इसमें। तो वर्ल्ड वाइड में इसमें ग्रेटर देन 10% ऑफ वीडियो मैचिंग,
उसके बाद फिर वीडियो ऑडियो सब कुछ देखो। एक्चुअली यहाँ पे जो भी आप देखोगे समरी यहाँ पे आपको दिखती जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समरी क्या क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड लिया है, ओवरलैप कितना लिया है, 10% वीडियो का लिया हुआ है, ऑडियो वीडियो लिया हुआ है, और पब्लिशर एनी, प्राइवेसी प्राइवेसी ली हुई एनी। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो एनी वनी मीन दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे यहाँ पे मैच रूल बना सकते हो, मैं इसे डिस्कार्ड कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म को कौन से आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में आपने ऐड कर दिए, और आप किसी को परमिशन देना चाहते हो तो यहाँ पे आप परमिशन दे सकते हैं पेज परमिशन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे परमिशन दे रखी है इन पेजेस के लिए, परमिशन से इंस्टाग्राम में इन पेजेस के लिए परमिशन दी हुई है हमने, तो आप इस तरीके से मैच यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा